जो लेडीज को वीडियो कॉल लगाते हो, जो भी लड़कियों के एक के बाद एक महिलाओं से थप्पड़ खाता ये शख्स आखिर कौन हो सकता है और क्यों? क्यों महिलाएं इस शख्स को लगातार थप्पड़ मारती जा रही हैं और इसे पैर पड़ने को भी बोल रही हैं? आप भी यही सोच रहे होंगे ना, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पीटता हुआ ये शख्स एक रिटायर्ड RPF कर्मचारी है और ये वीडियो थाने जिले के बदलापुर पश्चिम हेंद्रपाड़ा का है, जहां इस रिटायर्ड कर्मचारी की जेरोक्स की दुकान है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि शिवसेना की महिला कार्यकर्ता इस RPF कर्मचारी को पीटने लगी? तो चलिए एक बार इस वीडियो को फिर से देखते हैं। जो लेडीज को वीडियो कॉल लगाते हो, जो भी लड़कियों के साथ अभी तक चल रहा है, रोड पर उस वीडियो में आप महिलाओं को सुन सकते हैं जो इस शख्स से लगातार सवाल पूछ रही होती है कि तूने ये फोटो खींची ना, तू वीडियो कॉल करता है ना, और उसे पैर पड़ने भी कहती है। एक महिला तो इसका बाल खींचने की भी कोशिश करती है, लेकिन इस शख्स के सर पे बाल नहीं होते हैं तो इस वजह से वो बच जाता है। तो आपको बता दूं कि इस निलंबित RPF कर्मचारी पुष्पराज की बदलापुर वेस्ट हेंद्रपाड़ा आशीर्वाद अस्पताल के सामने एक दुकान है। आशीर्वाद अस्पताल के सामने एक नोवेल्टी और जेरोक्स और प्रिंटिंग की दुकान है। दुकान में जेरोक्स और प्रिंट निकालने आने वाली महिलाओं और लड़कियों से ये शख्स बात करके उनका मोबाइल नंबर प्राप्त कर रहा था। अनजाने में लड़कियों की फोटो भी खींच लिया करता था और इसके बाद उसे अपने फोन में रखा करता था, जिसके बाद वो महिलाओं को वीडियो कॉल कर और फोन कर लड़कियों को प्रताड़ित किया करता था। ये शिकायत शिवसेना अनुविभागीय आयोजक संदीपा नवगिरे को मिली, तो संदीपा नवगिरे ने अपनी महिला मोर्चा पदाधिकारियों के साथ दुकान पर पहुंचकर इस शख्स को जमकर सबक सिखाया और बाद में इसे पुलिस के हवाले कर दिया। मेट्रो मुंबई के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट।